और विधानसभा चुनाव से पहले लाल डायरी के पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। दोबारा सरकार नहीं बनने से लेकर माइंस चालू करवाने का पन्नों में जिक्र है। अधिकारियों से ऐसे घिरने राजनीतिक व्यक्ति बहुत बुरा लगने का जिक्र है। सवाई माधोपुर में एक स्वीपर का भी ट्रांसफर नहीं करने का भी पन्नों में जिक्र है। लाल डायरी के इन पन्नों में मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत की भी नाराजगी है। गहलोत सरकार से नाराजगी का जिक्र करते हुए चुनाव में बुरी तरह से हारने की बात भी लिखी है। पन्नों में लिखा है कि वैभव गहलोत जी का फोन आया, बोले कि पापा इसीलिए वापस सरकार नहीं बना पाते हर बार, क्योंकि आपको बता दें कि उन्होंने ये जिक्र इस लाल डायरी में किया है। उन्होंने कहा कि पापा इसलिए वापस सरकार नहीं बना पाते हैं हर बार, इस बार भी मैं लिख कर दे सकता हूं कि सरकार बुरी तरह से हारेगी। इसका कारण वो खुद है। वो अधिकारियों से ऐसे गिर जाते हैं, उन्हें राजनीतिक व्यक्तित्व बहुत बुरा लगने लग जाता है। हालांकि जी मीडिया नहीं करता इन पन्नों की पुष्टि। जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं इन पन्नों में, ये वो पन्ने हैं जिसमें हर चीज का लेखा जोखा लिखा हुआ है, लेकिन जी मीडिया इन पन्नों की पुष्टि नहीं करता है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। लेकिन इन पन्नों में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से लाल डायरी के पन्ने सोशल मीडिया पर, आप उनकी तस्वीरें देख पा रहे हैं। दोबारा सरकार नहीं बनने से लेकर माइंस चालू करवाने का भी जिक्र है इन पन्नों में। और अब ये पन्ने सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लेकिन हम आपको फिर से कह दें कि जी मीडिया इन पन्नों की पुष्टि नहीं करता है। अधिकारियों से ऐसे घिरने और राजनीतिक व्यक्ति बहुत बुरा उन्हें लगने लगता है। सवाई माधोपुर में एक स्वीपर का भी ट्रांसफर नहीं करने का भी इन पन्नों में जिक्र है। लाल डायरी के इन पन्नों में मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत की नाराजगी भी है। गहलोत सरकार से नाराजगी का जिक्र करते हुए चुनाव में पूरी तरह हारने की बात भी इन पन्नों में लिखी हुई है। हालांकि जी मीडिया तो देखिए, जी मीडिया इन पन्नों की पुष्टि नहीं करता है। इन पन्नों में आपको बता दें कि वैभव गहलोत जी का फोन भी आया, ये भी लिखा, उन्होंने कहा कि पापा इसलिए वापस सरकार नहीं बना पाते हैं हर बार, इस बार भी लिख कर दे सकता हूं कि सरकार बुरी तरीके से हारेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, एक बार फिर से चुनाव देखे बेहद ही अब सर पर है, लेकिन ये लाल डायरी एक बार फिर से आ गई है सबके सामने सोशल मीडिया पर। उन्हीं के पन्नों का जो कुछ पन्ने हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो राजनीति पर बहुत बुरा असर भी डाल सकती है। दोबारा सरकार नहीं बनने से लेकर माइंस चालू करवाने का इन पन्नों में जिक्र है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर शशि? देखिए, सोशल मीडिया पर इस तरह के पन्ने वायरल हो रहे हैं जी, और उन्हीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये पन्ने आए हैं जी। हालांकि इसकी वैधानिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती सीधे तौर पर, क्योंकि ना राजेंद्र गोड़ा इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि ये डायरी के पन्ने उनकी तरफ से किसी को दिए गए हैं, ना धर्मेंद्र राठौड़ इसकी पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन इसमें चर्चा इस बात की जरूर है कि सवाई माधोपुर में एक स्वीपर का तबादला कथित रूप से वैभव गहलोत के कहने से नहीं हुआ, और इससे उनकी प्रतिष्ठा गिरी, लोगों में गलत मैसेज गया। इस डायरी के पन्नों में यह भी लिखा हुआ है कि वैभव गहलोत ने धर्मेंद्र राठौड़ को फोन किया जी, और ये कहा कि सीएम अशोक गहलोत राजनीतिक व्यक्तियों की बजाय अधिकारियों को ज्यादा तरजीह देते हैं, और इससे कई बार नुकसान उठाना पड़ता है, और पहले भी सरकार रिपीट होने में यही एक अड़चन रही है। लेकिन शशि, सवाल यही है कि आखिर ये पन्ने कहां से आए हैं जो सोशल मीडिया पे इस वक्त, क्योंकि ये बहुत ही पीक टाइम है इस वक्त, ये पन्ने कहां से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं? क्या कुछ इस बारे में पता चल पाया अब तक? जैसा मैंने बताया दर्शकों को कि अभी इस बारे में ना पुष्टि हो पाई है, ना दोनों पक्षों में से कोई कुछ बोल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि राजेंद्र गुड़ा ने ऐसा दावा किया था पहले कि उनके हाथ एक लाल डायरी लगी है, उनके पास वो पन्ने सुरक्षित हैं और समय आने पर उन्हें खोला जाएगा। तो क्या ये वही समय है जो राजेंद्र गुड़ा सोच रहे थे? अब वो शिवसेना से लड़ रहे हैं, तो क्या उन्हें लगता है कि इससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? हालांकि बीजेपी से उनका कोई अलायंस नहीं हुआ है, गठजोड़ नहीं हुआ है, लेकिन क्या ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए हैं या खुद का फायदा लेने के लिए किए गए हैं पन्ने वायरल? और क्या ये वही पन्ने हैं जो डायरी कथित रूप से राजेंद्र गुड़ा के हाथ लगी थी? हालांकि इस डायरी की वैधानिकता को लेकर के धर्मेंद्र राठौड़ अभी तक कुछ भी नहीं बोल पाए हैं, ना बोले हैं कि ये पन्ने उनके लिखे हुए हैं या नहीं है। हाँ, इतना जरूर है राजेंद्र गुड़ा कहते हैं कि ये
डायरी धर्मेंद्र राठौड़ के घर से लेकर के आए थे। जी जयंती, ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जी मीडिया इन पन्नों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिलहाल इस समय पर जो बिल्कुल ही पीक टाइम है और इस ऐसे समय में देखिए कि ये लाल पन्ने, लाल डायरी के जो पन्ने हैं वो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनका जिक्र राजेंद्र गुड़ा ने पहले कभी किया था उन्हीं पन्नों का जिक्र और ऐसी ही चीजें उसमें लिखी, लेकिन फिलहाल इस पर किसी ने भी कोई पुष्टि नहीं की है कि ये पन्ने आखिर कहां से आए हैं, किसने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।